मॉर्निंग एवरी वन, होप यू ऑल आर वेल. बेटा आई हैव ओपन द पेज नंबर 73 ऑफ योर इंग्लिश रीडर बुक. एज यू नो दैट येस्टरडे वी हैव रीड अ पोएम ग्रैनी स्लिट एंड लैपटॉप. टुडे वी विल डू इट्स बैक एक्सरसाइज. बिफोर स्टार्टिंग बैक एक्सरसाइज पुट हियर डेट एंड डे. ओके आई एम गोइंग टू रीड, सो लिसन टू मी केयरफुली. फिल इन द ब्लैंक्स टू समराइज द पोएम. हमने ये ब्लैंक्स फिल करनी है पोएम को बताने के लिए. ग्रैनी हैज़ अ न्यू डैश. ग्रैनी के पास क्या था, नई क्या, कौन सी चीज़ थी ग्रैनी के पास? लैपटॉप. ओके शी लव्स दैट, शी लव्स, शी सेट्स इट ऑन हर. वो उसको कहाँ पे रखती थी लैपटॉप को? इन हर लैप, उसे अपनी गोद में रखती थी. शी विल यूज़ इट टू राइट अबाउट ग्लोबल. वो किस चीज़ के बारे में लिखती थी, हमने पढ़ा था, किस चीज़ के बारे में लिखती थी वो? ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग के बारे में. ठीक है, मतलब ग्लोबल या वाम लिखा हुआ था इस पोइम में, बट जो मोस्टली थे वो इसके क्या थे, इश्यूज़ पर लिखती थी ग्लोबल के. एंड टू कीप इन टच विद एवरीवन शी विल शेयर हर. वो क्या चीज़ शेयर करती थी? रेसिपीज़. ओके हाँ जी बेटा, फिल इन दिस ब्लैंक्स. ओके योर हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन वाइल राइटिंग इन योर बुक. ओके कम ऑन नेक्स्ट पार्ट, पार्ट बी. चूज एनी थ्री पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड राइट देम ऑन द ब्लैंक्स. एड वन मोर ऑफ योर ओन. बेटा आपने राइमिंग वर्ड लिखने हैं और एक आपने खुद ऐड करना है, टू आपने बुक में से लिखने हैं. जैसे नाइस माइस है ना, ये देखो यहाँ पे है वर्ड नाइस माइस. एक उन्होंने खुद दो अपनी तरफ से लिख दिया खुद राइस. आगे हम देखते हैं और मैं आपको बताती हूँ. लाइक हम ले लेते हैं यहाँ से वर्ड फैंस. फैंस लिखा हुआ है, मैं लिखूँगी फैंस. फैंस के आगे लिखा है फ्लैंस. फैंस फ्लैंस और क्या आ सकता है इसमें? प्लान्स. अपनी तरफ से लिख लो, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है प्लान्स. ओके ये आपने ऐसे ही करनी है. जो मतलब थर्ड और फोर्थ नंबर पे पोएम में से आप ढूंढ लेना राइमिंग वर्ड्स. ठीक है, जो राइमिंग वर्ड पोएम में से आप ढूंढोगे, लाइक यहाँ पे मैं आपको बता ही देती हूँ, ऑनलाइन माइन एक अपनी तरफ से ऐड कर लेना. ठीक है, यहाँ स्टोम लिखा हुआ है, स्टोम वाम लिखा है लाइक है ना, लेकिन इसमें आप एक और वर्ड ऐड कर सकते हो. ठीक है, मतलब खुद अपनी तरफ से आप जो वर्ड है कोई भी वो ऐड कर सकते हो. ओके लास्ट पे है बेटा, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज ग्रैनी. यूज वर्ड्स फ्रेसेस फ्रॉम द बॉक्स टू डिस्क्राइब हर. बेटा ये वर्ड्स दिए गए हैं उसके बारे में, ग्रैनी के बारे में. आपने कोई भी टू वर्ड्स यूज़ करके यहाँ पे टू सेंटेंसेस मतलब बना देना ग्रैनी के बारे में, कि ग्रैनी जो थी वो कैसी लेडी थी. ठीक है, यहाँ से टू वर्ड्स उठाना, उन टू वर्ड्स के ऊपर यहाँ पे टू सेंटेंसेस बना देना. ओके बेटा डू दिस, देन आई विल सेंड यू आंसर्स, देन यू कैन मैच योर आंसर्स विद माय पीडीएफ. बट ये जो आप टू लाइंस लिखोगे, ये सेंटेंसेस आप खुद लिख लेना अपनी तरफ से. ओके इसके आंसर्स मतलब आप खुद लिखोगे, ये मैं आपको नहीं भेजूंगी. ठीक है, क्योंकि हर एक के जो आंसर्स है वो डिफरेंट होंगे, कोई कौन से वर्ड लेगा, कोई कौन से वर्ड लेगा. ओके दैट विल करेक्ट आई विल चेक योर बुक्स. ओके थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे.